भाई यह बाखड़ी है आठ की क्या बनो कन्नौवा में ग्यापन लगे भाई सेकंड टाइमर में बच्चा देगी फर्स्ट ब्यात में 15 किलो दूध दी। दूसरी आपकी वीडियो से माध्यम से एक बात और बोलना चाहता हूँ भाई, फूल की मेरी गारंटी, पीछा दिखाने की थानों की मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, या तो ग्यापन है, कोई बोल देगा ग्यापन की क्या मेरी फूल लौट है भाई। हाँ अगर कोई आज भाई लेना चाहते है मेरी फूल लौट है, पूरी गारंटी। हाँ और एक भाई बोले पैसे देने के बाद क्या ओट रहती है, तो आपका कैमरा बोलते कोई भी भाई वीडियो उठा के एक मिनट में बदनाम कर सकते है। दोस्तों मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज फिर काफी सारे पशुपालक भाइयों की जो डिमांड है उस पे जो पशुधन है लेकर के आए हैं, चेकपास ग्याबिन बाकड़ी भैंसे, साथ में एक जो बिल्कुल ताजा काविंग करने वाला है जो पशुधन है वो आप देखें। जिला रेवाड़ी का गाँव है मसीद, धनपत यादव भाई है, इनके फार्म पे आए हैं। 2 से 3 वीडियोस भाई के फार्म से हमने कवर करी और जितना भी पशुधन दिखा रहे हैं न सिर्फ वाजिब दाम में बल्कि कहीं ना कहीं क्वालिटी वाली जो भैंसे हैं वो 54,000 रुपये में पिछली वीडियो में आपने यहां से देखा था। 6 महीने की चेकपास जो ग्याबिन बाकड़ी भैंसे भाई ने वो दी थी, 1,74,000 की दी थी और 78,000 रुपीज़ में भाई ने जो एक बाकड़ी भैंस है वो भी दी थी। सेम उसी की तर्ज पे पिछला जो पशुधन है भाई का ऑलमोस्ट सेल हो गया और आज फिर जो पशुधन है लेकर के आए हैं खरीद बेच का जो कामकाज। सबसे पहले जो बिल्कुल ताजा में आने वाली जो बफलो है वो आपको दिखा देते हैं। ये देखो हाइट लेंथ कदकाठी जबरदस्त, पीट की जो क्वालिटी है वो आप देखो। अगला जो पशुधन है वो आप देखें, सिंगों की क्वालिटी से लेकर के हाइट लेंथ कदकाठी, चेहरे मोरे की जो सुंदरता है वो काफी काफी बेहतरीन। एक और पशुधन है वो साथ में एक जो काफ है वो बाकड़ी भैंस के साथ आपको मिलेगा। तो धनपत भाई हैं, सीधा लेकर के चलेंगे, जानेंगे डिटेल्स। नमस्कार धनपत। नमस्कार भाई साहब, हमारे फार्म पे पहुंचने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जो भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनको हाथ जोड़कर नमस्कार। जी जी, कैसे हो भाई? भाई बढ़िया है। कैसा काम चल रहा है अपना? ठीक है भाई अपना। ठीक है। हाँ। तो आज कितना पशुधन दिखा रहे हो भाई? 2 बाकड़ी है, 1 ब्याने वाली है। पिछली वीडियो का जो पशुधन है उसका क्या भाई? 6 लोग या 4, एक भाई ने वो लगा दी थी साई, फिर बाद में लेके नहीं गया। अच्छा, लेकर के नहीं गया? हाँ। टोकन अमाउंट डाल दी थी? हाँ। फिर लेके क्यों नहीं गया? फोन नहीं उठाया भाई? फोन ही ना उठाया, बाकी आपा किसी के जबरदस्ती ना करा। आपा तो नू भी कह दी थी अपनी साई उल्टी ले ले। अच्छा। फोन ने मैसेज छोड़ दिया था व्हाट्सएप पे, लेकिन कोई रिप्लाई ना आया भाई। हाँ तो देखें जी, काफी बार हो जाता है अगर किसी पशुपालन की, किसी पशुधन की मैं कहूंगा, अगर आप टोकन अमाउंट सबमिट कराते हैं तो उसको जरूर एक बार देखने के लिए आए, जांचने के लिए आए, परखने के लिए आए। अगर आपको पसंद ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे टोकन देखते हैं। हमारे पशु की उम्र ज्यादा हो गई है लेकिन वो समय पर नया नहीं हो रहा, बार बार फिर रहा है। तो आप ऐसे पशु को सुबह शाम न्यूट्री डाइट जरूर खिलाएं, आपका पशु समय पर नया दूध भी होगा और बार बार नहीं फिरेगा। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन से न्यूट्री डाइट, और यह हरेक मेडिकल स्टोर पर के पशुधन को छोड़ करके जाना मैं कहूंगा कहीं ना कहीं जो उचित है वो भी नहीं है, क्योंकि आपके 2,000-5,000 रुपए में जो अगले का पशुधन है वो खड़ा हो जाता है। तो ऐसा कतई ना करें। सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके जो रिक्वेस्ट है, जो गुजारिश है वो, और 3 पशुधन आज भाई लेकर के आए हैं, तीनों मैंने आपको दिखा दिए हैं, एक एक डिटेल्स जानते हैं। धनपत भाई शुरू करेंगे यहाँ से, क्या कुछ डिटेल्स हैं एक बार बता दी भाई। तीसरे टाइम में बच्चा देगी? तीसरे टाइम में, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। कितना समय बचता है अभी? 5 तारीख को टाइम पूरा करेगी। 5 तारीख आज की 2 तारीख होगी सर। ठीक है। हाँ। 2 जुलाई है आज, 3 दिन का समय अभी भी। हाँ। बचता है। हाँ। क्या कुछ दूध की रिपोर्ट रही है पिछले भाई में? सेकंड में बताया था नुमाला बोलो 17 किलो पक्का दूध दिया, जमींदार खुट्टे से ले रखी है। ठीक है, ठीक है। तो देखिये जी, सेकेंड लैक्टेशन में 17 किलो जो दूध है उसकी रिपोर्ट रही है। थर्ड लैक्टेशन में पशुधन काविंग करेगा, खाने दाने में बिल्कुल सुपर फास्ट आप यहाँ पे देखें। और बात करें नीचे थन वगैरह है, टिट स्पेसिंग है वो आप देख लो, काफी काफी बेहतरीन। जो पीट की क्वालिटी है, जो कद काठी है वो आप देखिए, खोले एक बार घुमाएं चलाएं। किससे ग्याबिन करा रखा है इसको भाई? HLDB सीमन से। HLDB सीमन से ग्याबिन है। तो पशुधन आप देख सकते हो पहलवानों के जैसा जबरदस्त, जो भारी भरकम शरीर है वो इस पशुधन में आपको देखने को मिलेगा। थर्ड लैक्टेशन में काविंग करेगी, HLDB सीमन से प्रेग्नेंट है। 17 किलो जो दूध है वो सेकंड लैक्टेशन में इसकी जो रिपोर्ट है वो रही है। बफलो आप देखो, जबरदस्त जो कद काठी है, जबरदस्त जो पीठ की क्वालिटी है, बॉडी वेट है वो आप देख लो, काफी काफी बेहतरीन, काफी शानदार।
और ये देख, तो हाज भी रेट काफी वाजिब काफी रिजनेबल करने वाले। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है बात होगी जी भाई, किसी को कम लगे किसी को ज्यादा लगे देखो तो जी अलग ही बात। तो ये देखो जी थर्ड लैक्टेशन की जो सुपर मुर्रा बफलो है हम कह सकते हैं, आर्डर की जो क्वालिटी है वो आप देखिए, एक बार लास्ट तक लेकर के जाएं, बिल्कुल लास्ट तक फिर बांधना प्लीज। ये देखो पशुधन का जो हाव भाव स्वभाव है वो एक बार दिखाना कहीं ना कहीं मैं कहूंगा फर्ज बनता है कर्तव्य बनता है, और उसी की तर्ज पे थर्ड लैक्टेशन की बफलो है वो आप देखो। कितने महीने इसको ड्राई किया था धनपत भाई? भाई पता तो सब देवा, 2-2.5 महीना हाँ। तो देखो ली है ठीक है हाँ। तो 2-2.5 महीने की जो आगे से रिपोर्ट है वो रही है हाँ। ठीक है तो ये देखो जी 2-2.5 महीने मैं कहूंगा इसको ड्राई किया है। बात करें सर इसके मोल भाव की, क्या कुछ मोल भाव करोगे इसका? भाई यहाँ तो क्या बन है, कोई बोल देगा क्या बन की क्या, मेरी फुल लोट है भाई हाँ। अगर कोई आज भाई लेना चाहते है मेरी हाँ, फुल लोट है पूरी गारंटी हाँ। और एक भाई बोला बोले पैसे देने के बाद क्या ओट रहती है, तो आपका कैमरा बोलते है कोई भी भाई वीडियो उठा के 1 मिनट में बदनाम कर सकता है ठीक है। तो भाई देने का है 1,15,000 रूपए। 1,15,000 रूपए में थर्ड लैक्टेशन की जो बफलो है वो आपको यहाँ से मिल रही है। और फिर से जो डिटेल्स हैं वो देखें, जो कदकाठी पशुधन की पीठ है बॉडी वेट है वो आप देखें हाँ। पेल्विक बोन पे अभी अभी जो लूज स्किन है धीरे धीरे हाँ। करके हो रही है, वो गाड़ी में आई थी भाई इसलिए थोड़ा सा हो गया। वैसे पतली चमड़ी का जो बिल्कुल पतली चमड़ी है देख लो, तो 1,15,000 रूपए जो कीमत है वो भाई ने इसकी रखी है। एक और पशुधन है जी, बता दीजिए क्या कुछ डिटेल्स भाई। यह बाखड़ी है 8 की, क्या बनो कन्नौवा में क्या बन लगेगी? 8 महीने की कंफर्म चेक पास होकर के 9वें में लगेगी। कितनी हाँ। तारीख से भाई? ये मेरे ख्याल से 6 या 7 से है। 6 या 7 तारीख से ठीक हाँ। है जी। तो क्या कुछ दूध कौन सा ब्यात रहेगा भाई? सेकंड टाइमर में बच्चा देगी हाँ। फर्स्ट ब्यात में 15 किलो दूध दिया। 15 किलो भाई। तो दांतों में कैसे है? दांतों में मेरे ख्याल से 4 ही है। 4 दांत है ठीक है। तो छठे कर गई, छठे दांत कर गई, 4 दांत दांतों में 6। सेकेंड लैक्टेशन में काविंग करेगी 8 महीने की कंफर्म चेक पास में भी लेगी। कितने तारीख से जो 8 महीने कंप्लीट हो जाएंगे इसके? इसके बता रहा हूँ 6 या 7 तारीख को। 6 या 7 तारीख को ये कटड़ा इसके साथ ही है। इसी के साथ है भाई। ठीक है तो कटड़ा भी दे दोगे इसी हाँ के साथ? भाई कोई ठीक है जी, खोले एक बार घुमाए चलाए। तो देखें सेकेंड लैक्टेशन में काविंग करेगी, ब्यूटी के साथ साथ जो हाइट है काफी जबरदस्त इस जोटी में देखने को मिल रही है। सेकेंड टाइमर जो जोटी है लेकिन ये देखो हाइट, तो हाइट आप देखें, पीठ की जो क्वालिटी है वो आप देखें, बॉडी वेट है वो आप देखें। 8 महीने की कंफर्म चेक पास सेकंड टाइमर जो झोटी है वो आप सब पशुपालक भाइयों को दिखा रहा हूँ। साथ में जो कटड़ा है वो भी इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइमर में 15 किलो जो दूध है उसकी रिपोर्ट रही है। कदकाठी आप देखो, पीठ की क्वालिटी है वो आप देखो, बॉडी वेट है वो आप देखो, और सिंगो की क्वालिटी ब्यूटी आप देख सकते हैं। चेहरे मोरे की जो बनावट है, जो सुंदरता है वो आप देखो। लास्ट तक घुमा के लास्ट तक ले जाना है। तो 6 तारीख से 8 महीने की कंफर्म कंप्लीट हो जाएगी मैं कहूंगा। पीठ आप देखो जबरदस्त, और आज जो वीडियो है कवर कर रहा हूँ 3 जुलाई को शाम के समय करीब करीब 5 बजे के करीबन जो वीडियो है वो, साथ में जो हेल्दी मेल काफ यानी के जो कटड़ा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले ब्यात में ये जो कटला था ये साथ में है। हाइट इतनी बहुत मिली भाई, बाकी में बहुत कम है, जैसे कि बोलने कुछ भी बोल दो हाँ। धनपत भाई बात करें इसके मोल भाव की, क्या कुछ करोगे रेट भाई? इसका मोल है देने का 86,000 रूपए। 86,000 रूपए में हाँ। दे दो अगर कोई कटड़ा छोड़ता है हाँ। तो कटड़े के लगे थे 6,000 रूपए जी, ये एज करती है कटड़े ठीक है, तो 80,000 रूपए। 80,000 रूपए हाँ। दूसरी आपकी वीडियो से माध्यम से एक बात और बोलना चाहता हूँ भाई, फूल की मेरी गारंटी, पीछा दिखाने की थानों की मेरी गारंटी है ठीक है जी हाँ। काफी सारे भाई मैं कहूंगा धनपत भाई क्या देते हैं कि 86,000 रूपए में तो हम ताजा ही ले लेंगे, ताजा ले लेंगे की। आपकी बात सही भाई, आप कितनी वीडियो कवर करते हो मेरे ख्याल से जी। आप बताओगे 2 महीने बाद कितने रुपए की? वो तो पशु की सिचुएशन पे डिपेंड करता हाँ। है 2 महीने बाद कैसा ऑर्डर निकले भाई, देखी हुई है तभी लेते हैं, नहीं तो वैसे 86,000 हमें भी घर से देने का कोई शौक नहीं है जी जी ठीक है। तो मान सम्मान हो जाएगा हाँ, मान सम्मान थोड़ा बहुत हो जाएगा, थोड़ा बहुत मान सम्मान बिल्कुल होगा भाई। अच्छा, और क्वालिटी देखो पशु की तब की बात है। बहुत बढ़िया हाँ। तो देखिए 86,000 रूपए में जो सेकेंड टाइमर छोटी है 8 महीने की कंफर्म चेक पास प्रेग्नेंट वो आपको यहाँ से मिल रही है। लास्ट में
एक और पशुधन भाई के यहाँ से निकल करके आया, बता दीजिए क्या कुछ डिटेल्स हैं। भाई ये वो यार दूसरा टाइम वो डिलीवरी थी, तीसरा टाइम डिलीवरी करेगी। ठीक है, सातवें में ज्ञापन लगी हुई है। सातवें महीने में ज्ञापन, तो पिछली वीडियो में यही थी। हाँ, तो उस भाई ने टोकन अमाउंट डाली और डाल दी थी। दूसरी बात और क्या नाम लोग जिस तरह इसकी वीडियो 54,000 की के साथ बनी हुई थी। हाँ जी ठीक है। लोग ये सोचे 54,000 में ये, 54,000 में ये नहीं है। ठीक है, खोल एक बार घुमाए चलाए। तो 6 महीने की कंफर्म चेक पास, थर्ड लैक्टेशन में आगे जाकर के काविंग करेगी। और ऐसा मैं सभी पशुपालक भाइयों से कहूंगा, बिल्कुल भी ना किया करें। अगर टोकन अमाउंट डाली है तो पशुधन को देखने जांचने परखने जरूर आएं, क्योंकि टोकन अमाउंट डाल के पशुधन को छोड़ना एक बहुत बड़ी गलत बात है। फिर कुछ भाई कह देते हैं कि हमारी जो साई है वो रख ली, पैसे नहीं दे रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं गलत आप लोग भी हो। अगर आप पशुधन की टोकन अमाउंट डालते हो, आप देखने आओ, आपको पसंद नहीं आए तो अपनी टोकन अमाउंट वापस ले जाओ, वो चल जाएगा। हम फोन कर रहे हैं, अगला नहीं उठाता तो हमारी गलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। उसके 2-3 हजार से हमें मतलब हमारा दर्द नहीं चलने वाला। सही बात है जी। ठीक है, लेकिन किसी के साथ ना करो तो अच्छा ही है भाई जी। तो धनपत भाई अब बात करें, अब ये कितने में देनी है भाई? रेट वो है तो ये 68,000 रूपए की सैली की थी, 68,000 रूपए की उनको दी थी। तो 68,000 रूपए इसका रेट रख लो फिर, है ना भाई, देने वाली बात है। ठीक है, तो 68,000 रूपए में भाई ने बताया फाइनल हुई थी। वैसे वीडियो में 74,000 रूपए, 74,000 रूपए भाई ने जो डिमांड प्राइस था वो था, 68,000 रूपए में सेल हुई थी। तो फिलहाल ये 68,000 रूपए में ही 7 महीने की, जो 7वां महीना है उसमें लगी हुई है, 6 महीने की कन्फर्म चेक पास प्रेगनेंट, एक टाइम दूध देती है भाई, थर्ड टाइमर बफलो, एक टाइम दूध देती है 3 से 4 लीटर। तो पशुधन आप देखो सेल के लिए अवेलेबल है। 3 पशुधन मैंने भाई के फार्म से दिखाए, और क्या कुछ कहेंगे भाई। देखो वही बात है, क्वालिटी वाली बात है। जब आपने पूछा बोले 86,000, एक बार पशु देखो। रही बात ऑर्डर की, ऑर्डर तो ये सिस्टम बताएगा जी, जी। हम भी 8-9 साल से लगे, 7-8 साल से करीबन लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो बात ये है कि अपना सोच समझ के हम दूसरे के ऊपर पशु नहीं लेके आते, अपने खुद के ऊपर लेके आते। तो देखे जी, 3 पशुधन मैंने भाई के फार्म पे दिखाए हैं, और सही बात है घर पे नहीं बनाते, कोई फैक्ट्री नहीं है। मैं कहूंगा ये भी अगले की जो डिटेल्स अगला शेयर करता है, साझा करता है, उसी के बिहाफ पे लेकर के आते हैं। तो जितना भी पशुधन दिखाएंगे, मैं तो एक ही बात कहता हूँ सभी भाइयों से, अपना आए जांच परख करके देख के ले जाएं। उसमें हम सबकी संतुष्टि न सिर्फ आपकी बल्कि कहीं ना कहीं मेरी भी है भाई। कोई भाई आता रहने की खाने की अपनी फुल वो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पशु आए, पशु समझ में आए ना आए, वो कोई एक अलग बात है। ठीक है, कोई भाई आना चाहे बिल्कुल लाए, बिल्कुल जांचे परखे देखे। बहुत बढ़िया जी। हाँ, तो 3 पशुधन मैंने भाई के फार्म से दिखाए हैं, तीनों सेल के लिए अवेलेबल हैं। जो कई भाई रात को परेशान करते भाई, 10 बजे के बाद 12-12, 1-1 बजे भी कॉल करके हाँ ठीक है बोलो, अब रात को बोलो वीडियो डाल वो डाल। तो भाई वीडियो तो देखो यही है, बाकी हम डाल करते तो रात को परेशान ना करें तो भी बैटरी है। ठीक है, लेने वाले कर ले तो रात को परेशान ना करें, एक टाइम टेबल सा जरूर देखें, क्योंकि अगला भी पूरे दिन अपने डेयरी फार्म पे दूध का कारोबार है भाई का, सेल परचेज का, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। तो 3 पशुधन सेल के लिए हैं, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।